जनता पार्टी भगवानपुर से निश्चित रूप से कमल खिलाएगी, और जो बीजेपी बढ़िया काम कर रही है जब से आई। अच्छा, भाजपा के साथ है जी, हम तो पहले से ही भाजपा के साथ ही चल रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं दैनिक रुड़की से रियाज कुरैशी। हम लोग भगवानपुर विधानसभा में है जो 80 कोटे में आती है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और बसपा ने अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार दिए हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने मास्टर सत्यपाल को चुनावी दंगल में यहाँ पर उतारा है। ये ग्राम किशनपुर गाँव है जो कि भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र में आता है। चलिए यहाँ पर कुछ ग्रामीण बैठे हैं, इनसे बात करते हैं। हाँ जी ताऊ जी, राम राम। इस बार किसका रुझान है? बस ये भाजपा का ही। हाँ जी, इस बार किसके साथ रहोगे 2022 के चुनाव में? के सतपाल के। आप किसके साथ रहोगे? बीजेपी के। बीजेपी क्यों? बीजेपी बढ़िया काम कर रही है जब से आई। अच्छा, बढ़िया काम कर रही। मोदी जी के काम से संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल संतुष्ट है। देखिए लगातार और ग्रामीण खड़े। आप किसके साथ हैं चुनाव में? भाजपा के साथ है जी, हम तो पहले से ही भाजपा के साथ ही चल रहे। हाँ जी, भाजपा के साथ है जी। लगातार लोग जो जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं, आप देख सकते हैं कि बीजेपी का रुझान किशनपुर गांव में देखने को मिल रहा है। हाँ जी, हम भाजपा के साथ ही जी। बच्चे छोटे छोटे किस तरीके से यहाँ पर उत्साह है इनके अंदर, आप देख सकते हैं। इस बार क्या नाम है आपका? दिवांशु। दिवांशु, ये झंडा किसका लगा रखा है तुमने? ये मेरा है। कहे का है? बीजेपी का। अच्छा, मम्मी पापा किसके साथ है? मम्मी तो पापा रुटकी, मम्मी खेत में। अच्छा, खेत में गए। अच्छा, तुम झंडा लगा के घूम रहे। लगातार हम भगवानपुर विधानसभा में घूम रहे हैं, तो मास्टर सत्यपाल जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रचार करते हुए प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। चलिए मास्टर सत्यपाल से चलते हुए बात करेंगे हम लोग। दैनिक रुड़की में आपका स्वागत है जी। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। लगातार जैसे कांग्रेस और बसपा लगातार प्रचार प्रसार कर रही है, आपको प्रचार प्रसार करने में कैसे आसानी हो रही है? कैसे, किस तरह का प्रचार चल रहा है? मैं तो ऐसा घर घर जा रहा हूँ, डोर टू डोर जा रहा हूँ, और सभी से, अपने बुजुर्गों से, अपनी माता बहनों से, अपने युवा साथियों सबसे बीजेपी के लिए आशीर्वाद मांग रहा हूँ। भगवानपुर में कैसा समर्थन मिल रहा है विधानसभा? पूरी तरह से, चारों तरफ से समर्थन मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस बार जीतने के और है और जीतेगी। अच्छा, जीतेगी। आपके किस आधार पर आप चुनावी जो जनसंपर्क में है, किस तरह से? देखिए, सबसे बड़े तो हमारा माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो काम है, वो चारों तरफ नरेंद्र मोदी जय जयकार हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जय जयकार कर रहे हैं, और इस बार भारतीय जनता पार्टी भगवानपुर से निश्चित रूप से कमल खिलाएगी। और जो काम आज तक यहाँ अधूरे पड़ा है क्षेत्र में, जनता त्रस्त है इस परिवार से। ये जो राकेश परिवार है, इससे जनता त्रस्त है, मुक्ति चाहती है, और इस परिवार को इस बार घर बैठाने का काम जनता कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे जीतेगी। देखिए, जीत के साथ सतपाल जी का कहना है कि मैं लगातार चुनाव में हूँ और लगातार मैं चुनाव में बना रहूंगा। आप भारतीय जनता पार्टी में किस तरह का चुनाव चल रहा है? ठीक चल रहा है जी, बढ़िया चल रहा है जी। जी, आप कैसे कहते हैं? भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता बूथ स्तर तक का पूरी ताकत के साथ, क्योंकि हमारी इकाई पहले बूथ स्तर तक की बनी हुई है, तो हम पांचों साल चुनाव मोड में रहते हैं हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता। तो कार्यकर्ताओं के बल पर अवश्य रूप से अब की बार भगवानपुर विधानसभा भारतीय जनता पार्टी। राजेश सैनी एक पुराने पत्रकार साथी भी हैं और अब भारतीय जनता पार्टी में काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। चलिए इनसे बात करते हैं। सैनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दैनिक रुड़की में। धन्यवाद आपके चैनल का भी और आपका भी। आज आप भगवानपुर के किशनपुर गांव में, किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? जनसंपर्क लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर आज घूमने को तैयार है। लगातार वोट, जो 14 फरवरी को वोट मतदान होना है, उसको लेकर लोगों वोटों के दस्तक दे रही है। किशनपुर जमालपुर गांव हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है, और अब की बार भी हमें पूरी उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेगा। अच्छा, किस मुद्दों को लेकर भाजपा मैदान में है चुनावी? देखिए, मुद्दे कुछ नहीं है, मुद्दे तो सिर्फ यही है कि स्वच्छता, सुरक्षा, सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान। सबके साथ, सबके विकास के साथ है। एक साथी और जुड़ रहे हैं, क्या नाम है? राम कुमार। राम कुमार, चुनाव में क्या चल रहा है? बहुत बढ़िया चुनाव चल रहा है भाजपा का, पर हमारा प्रत्याशी जीत रहा है। अच्छा, भाजपा का मुकाबला भगवानपुर सीट पर किससे मान रहे हैं आप? बस कांग्रेस से है। अच्छा, कांग्रेस से जी। इनका कहना है कि वो लगातार कांग्रेस से अपना चुनाव मानकर चल रहे हैं, और लोगों से हम बात करेंगे लगातार। ताऊ जी, इस बार चुनाव में? हाँ जी, चुनाव में जो है, मतलब जो है वो विजयी होंगे, और भाजपा के काम इतने
ये भी है कि उनके बल पर ही जो है हम जो है भाजपा को जिता देंगे। क्या कहना चाहेंगे जी? यही कहेंगे कि हम तो भारतीय जनता पार्टी के साथ में अरनी के साथ में रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। लगातार लोग जुड़े हुए, एक साथी और जुड़े झंडा लेकर। आपने किसका झंडा उठा रखा? जनता पार्टी का। अच्छा, इस बार चुनाव में किसके साथ रहेंगे? इन्हीं के साथ रहेंगे। लगातार लोग जुड़ रहे हैं, इस बार चुनाव में आप किसके साथ? पार्टी के साथ जी, अपनी पार्टी के साथ रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ। कैसा विधानसभा में कैसा चुनाव चल रहा है? अच्छा चुनाव चल रहा है, त्रिकोणीय चुनाव बन गया। त्रिकोणीय चुनाव हमेशा भारतीय जनता पार्टी जीतती है। आप त्रिकोणीय चुनाव बता रहे हैं, मास्टर जी कह रहे हैं मेरा चुनाव कांग्रेस से है। वो जो है कांग्रेस से सीधी सीधी फाइट करेंगे हम। त्रिकोणीय में वो ये है कि वो लगे रहेंगे पीछे थोड़ा सा ना, लेकिन हम सीधी फाइट कांग्रेस से करेंगे, हमारे सामने और कोई नहीं है। भगवानपुर विधानसभा के कराम करोंदी के प्रधान है पिंटू प्रधान, चलिए उनसे बात करते हैं सतेंद्र जी से। इस बार भगवानपुर विधानसभा चुनाव में कैसा चुनाव चल रहा है? चुनाव तो भाई साहब अच्छा ही चल रहा है निश्चित रूप से। भाजपा किससे अपना मान रही है मुकाबला? भाजपा का मुकाबला निश्चित रूप से कांग्रेस से ही होगा। अच्छा, बसपा इस बार चुनाव में नहीं दिख रही क्या? तीसरे नंबर पे रहने वाली है। नहीं, सुबोध राकेश का ग्राफ लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है भगवानपुर विधानसभा में। और मास्टर सत्यपाल भी कह रहे हैं कि भले ही कह रहे होंगे कांग्रेस से चुनाव, लेकिन जो हमारा सर्वे आ रहा है वो बसपा से आपका चुनाव लग रहा है हमें। भाई साहब जहाँ तक मेरी जानकारी है उसके अनुसार तो भाजपा का चुनाव कांग्रेस से ही होने वाला है। देखिए भाजपाइयों का कहना है कि हमारा चुनाव सीधा कांग्रेस से है, बसपा से नहीं है, लेकिन हम आपको पल पल की रिपोर्ट दिखाते रहेंगे, इसी तरह के हम जानकारी देते रहेंगे। मैं दैनिक रुड़की से भगवानपुर विधानसभा से